डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी। आदिवासियों से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब इंडिया टीवी। इतने सुंदर डूअर्स को कौन बनाया, कौन बनाया? अरे हरियर डूअर्स को कौन बनाया, कौन बनाया? सरकार नहीं बनाया, ब्रिटिश भी नहीं बनाया, तो कौन बनाया? आदिवासी बनाया, आदिवासी बनाया, अरे आदिवासी बनाया, आदिवासी बनाया। इतनी सुंदर डूवर्स को कौन बनाया, कौन बनाया? अरे हरियर डूवर्स को कौन बनाया, कौन बनाया? सरकार नहीं बनाया, ब्रिटिश भी नहीं बनाया, तो कौन बनाया? आदिवासी बनाया, आदिवासी बनाया, आदिवासी बनाया, अरे आदिवासी बनाया। प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत वादियों के बीच बसे चाय बागान की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। लेकिन क्या ये चाय बागान की खूबसूरती देखने मात्र है? क्या वाकई चाय बागान में काम करने वाले मजदूर की जिंदगी चाय बागान की तरह खूबसूरत है? ये देखने और समझने के लिए ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम लगातार चाय बागानों का भ्रमण कर चाय बागान में काम करने वाले मजदूर से बात कर उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया, और जो हमने देखने और सुनने को मिला वो हम आपको दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें और खुद देखें और समझें चाय बागान और यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आपको बता दें कि लगभग 200 सालों से चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्य से अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे और चाय बागानों में बसाए गए थे। तब से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागान में काम कर रहे हैं। जब चाय बागान बनाया गया और चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बसाया गया तब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को कई तरह के दुख और पीड़ा झेलना पड़ता था। लेकिन अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, 70-75 वर्ष हो गए, अंग्रेज चले गए, तो क्या अंग्रेजों के साथ उन मजदूरों की पीड़ा समस्या भी चले गए? देखिए ट्रैवल इंडिया टीवी के इस खास रिपोर्ट में। मरा भी पोती मरा को ये ना खा ना मोरा भाई ना मोरा पीछे है रे भी पोती मरा को ये ना खाए आगे देखो आगे ना खाए पीछे देखो पीछे है रे विपत्ति मर को ये ना खाए अरे यो सोना विपत्ति मर को ये ना खाए ना मोरा माइया है ना मोरा या बरे विपत्ति मर को ये ना खाए यो रे यो सोना विपत्ति मर को ये ना खाए जाने देखो तने या ना देखी रे विपत्ति मर को ये ना खाए ना मोर भये या है ना मोरा भया विपत्ति मर को ये ना खाए आगे देखो आगे नहीं पीछे देखो पीछे है रे विपत्ति मर को ये ना खाए। दुख है हम लोग का क्योंकि हम लोग का कुमले बगान में ना तलब मिलते हैं ठीक से, ना तनख्वाह मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलता। राशन भी मिलते हैं वैसे कैसे मिलते हैं राशन भी, अलवा चावल। अलवा चावल कौन खाएगा? सुअल खाएगा ना हम लोग खाएगा उसको अलवा चावल को?
हाँ हम लोग तो खाते हैं, हम लोग बाल बच्चा लोग तो नहीं खाते हैं ना उसको, वो लोग बोलता है कि सुअर खाएगा ना हम लोग खाएगा, इसीलिए ठीक सही सलामत तालाब भी नहीं मिलते हैं, तंखा भी नहीं मिलते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं। हम लोग का बगान कुमले बगान, कुमले बगान हाँ, हम लोग का गरीब दुखी आदमी का है कि किसी का है बाथरूम साथरूम सब है, किसी का भी नहीं है, जिसका पैसा है उसका बाथरूम है और किसी का पैसा नहीं है उसका बाथरूम नहीं। 24 किलो पते नहीं तोड़बे हले माने हमने के आधा हाजरी देवे ना, के जी बनाए देवे आधा पैसा देवे ना, तो ठीका पुगाबे हले कितना 2 रुपया के 1 रुपया देवे ना हाँ, और मैंने देरी से दबे हेल भी घुमाई देन और पाए में पानी देवेन जे 7:30 बजे तो आदमी जब काए बजे काम हाँ 7:30 बजे जाए ना काम ऐसी पानी देवे ना तो काए बजे जाबन लेबर मने 7:30 बजे पानी देवे हले तो जमाइन को लखे एगो दुगो को लखे छुआ मैंने घरे रहे कारे ना था के बगान भिंज के आबे और घर में भिंज बे प्लास्टिक मांगिल हमें सरकारी के अथी के कंपनी के प्लास्टिक दे कही कहल कि पंचायत में जबा पंचायत जगह जाए तोहनी कर सरकारी सरकारी जगह जबा बगान भेजल तो हमें कहाँ जाब अथी प्लास्टिक मांगे के लेकिन से ले हम इनका कर अपने डाई भी कोनो लखे आधा चुएल जितना बासन के लेके भरवे दे ला घर है उ जगह चुहू जगह चुबी जितना के मारे देविल गोटे घर भरवे दे ला बासन के गोरगोरा जोन कोनो लखे कमा थी और खा थी बगानों ने कहा है कुमले बगान नाम ले कुमले अथी लगे बड़का लेकिन नखे कोनो। मेरा नाम तो भवानी टप्पो है और बगान में जो सुविधा तो कुछ भी नहीं है, बगान का क्वार्टर सब नहीं मिलता है, घर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, लकड़ी सब भी नहीं मिलता है, दवा दारू ठीक से नहीं है, एम्बुलेंस भी ठीक नहीं है, अगर सीरियस कोई बीमार हो जाता है तो छोटा मोटा बीमार रहने से तो यहाँ अगर दवा दारू होने से ठीक हो जाता था पहले, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होने से माल बाजार लेना पड़ता है, एक तो हम लोग का तनख्वाह ठीक से नहीं देता है टाइम पर, और बहुत काम हजरा में हम लोग काम करते हैं और वो हजरा तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, फिर कुछ बीमार हो जाने से और भी मुश्किल हो जाता है पढ़ाना लिखाना, और अभी का समय में तो पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, उस हिसाब से सरकार को भी कुछ सुविधा देना चाहिए हम महिलाओं के लिए बच्चों सब के लिए, और बगान में तो कुछ भी नहीं है, ये वेतन केवल माने देता है पर टाइम पर नहीं देता है, किसी तरह चलता है घर। कितना वेतन मिलता है? 200 बोलते हैं लेकिन 200 तो नहीं है हम लोग का बहुत कम हजरा में हम लोग काम करते हैं, और बगान का जो हम लोग का है तो सरकार को भी देखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए महिलाओं के लिए, कुछ करना चाहिए सुख सुविधा, जैसे हम लोग जैसे वोट देके तो जिता देते हैं लेकिन वो सरकार लोग जब इलेक्शन का टाइम में ही वोट पा जाता है बस जीत जाता है, तो बगान का क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं करता है। सुबह सुबह हम इनकर माता पिता मन काम चल जाए ना तो उस चक्कर में ये चाय बगान कर विषय में मैं थोड़े कुन गाना माध्यम से बताए चाहता हूँ। बिहाने बिहाने रे मुर्गा कर डाक सुनी जल्दी उठे ना रे, खाना पकाए आग जोरी जोरी छुआ पुता के घरे छोड़ी, गोदाम कर सिटी के सुने ना रे, काम कर के ले निकले ना रे, हमर पुरुखा मन डुवर्स कर जंगल झाड़ के झोरी झोरी, गढ़ा डिपा के कोड़ी कोड़ी इतने सुंदर डुवर्स के सजा ले, चाकर बागान के उपजा ले। चाय बगान में काम करने वाले टी वर्कर का जीवन कैसे गुजरता है, मतलब सुबह उठकर वही तो सुबह उठते हैं हम लोग 4:30 बजे उठ के खाना उना पका के नाश्ता उस्ता बना के, अगर स्कूल जाना है अभी तो लॉकडाउन है उसी वजह से बच्चा सबका स्कूल बंद है, अगर लॉकडाउन नहीं रहने से तो जल्दी से बच्चा सबको नाश्ता उस्ता करवा के टिफिन स्पिन बना के हम लोग को भेजना पड़ता है स्कूल, ऊपर से 7:30 बजे हम लोग को पहुँचना पड़ता है काम में, और अगर देर हो जाने से तो मैनेजर सब घुमा भी देते हैं, सुख सुविधा कुछ भी नहीं है, स्कूल बस सबका भी सुविधा नहीं है, जितना हम लोग तनख्वाह पाते हैं उसी से हम लोग बच्चा सबको किसी तरह गाड़ी उड़ी में भेजते हैं, बस जिसका घर में गाड़ी है वो तो भेज देते हैं, लेकिन गाड़ी का सुविधा नहीं होने के वजह से कभी स्कूल जाने नहीं पाते हैं बच्चा सब, बहुत ही मुश्किल है बगान का अवस्था। कितना पत्ती तोड़ना पड़ता है दिन भर? पत्ती हम लोग को 25 केजी तोड़ना पड़ता है, और 25 केजी से अगर ओवर हम लोग तोड़ेंगे तो उसको 3 रुपया केजी करके हम लोग को देता है फालतू।
और 25 केजी अगर तोड़ेंगे उसको हजरा हिसाब से देगा, और 3 केजी जो 25 केजी से पार हो जाएगा उसको हम लोग को 1 रुपया केजी करके 3 रुपया केजी करके मिलता है। अगर 25 किलो से कम पत्ती तोड़े तो हजरा काट देगा, हजरा पूरा नहीं देगा। चीता उता, फिर बिच्छू उच्छू होता है, फिर सांप उप होता है, बहुत सारा बागान में। तो हर बागान को सफाई भी नहीं करते हैं ना, पूरा जंगल में तोड़ना पड़ता है पत्ती, बहुत रिक्स होकर यह काम करना पड़ता है हम लोग को। तो इसके लिए क्या हॉस्पिटल की क्या सुविधा है यहाँ पे? अगर मान लीजिए कोई चीता या कुछ सांप वाप वगैरह काट देते हैं, अक्सर तो ये सुनने को मिलता है कि हर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है चाय बागान में, तो इसको लेकर के हॉस्पिटल की क्या सुविधाएं हैं? हॉस्पिटल में तो देखा जाए तो कुछ भी सुविधा नहीं है हम लोग को बागान का, हॉस्पिटल में एकदम नहीं है। दवा दारू कुछ मिलता है, बहुत कम, लेकिन हिसाब से मिलता है, कभी होता है नहीं भी होता है दवा, तो मुश्किल से हम लोग को अपना गाड़ी करके भी लेके जाना पड़ता है माल बाज़ार में ही। अगर थोड़ा मोड़ा घायल होता है तो हो जाता है ठीक, माल बाज़ार में ही कुछ पैसा खर्चा भी करना पड़ता है। क्या चाय बागान में कभी ऐसा डर लगता है? आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है? आप काम कर रहे हो, चाय पत्ती तोड़ रहे हो और चीता आ गया हो, बाघ चीता जो भी है, हाथी आ गया हो, बहुत डर लगता है, डर महसूस होता है, लेकिन डर के भी हम लोग डर का सामना करते हुए भी काम करते हैं, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, और काम नहीं करने से तो होगा नहीं, ज़िंदगी चलेगा नहीं, गुजारा चलेगा नहीं। हर समय चीता उता हर बागान में ही है, सांप बिच्छू चीता उता हर बागान में है। ऐसे ही तो चलते चलते हम लोग को पत्ती तोड़ते तोड़ते कभी किसी को काट देता है, ऐसे ही डर डर के काम करता है हम लोग। बरसात में धूप बारिश किस तरह से सांप गुजर मन रहना, बरसात में भीगी भीगी मेला में काटा चुभी, जूता चप्पल फाटी टूटी छता ओढ़ी पतिया तो रे ना रे, मेहनत से हाजरी कमाई ना रे, बरसात में भीगी भीगी मेला में काटा कुटी, जूता चप्पल फाटी टूटी छता ओढ़ी पतिया तो रे ना रे, मेहनत से हाजरी कमाई ना रे, हमर पुरुखा मन डुवर्स कर जंगल झाड़ के झोरी झोरी गड़ा डिपा के कोड़ी कोड़ी, इतने सुंदर डुअर्स के सजाले चाकर बागान के उपजाले, हे 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 हो 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 हे करत रह से बाघ झपुटल जन के भी नहीं रहे मोर ची लल लाश ही मोर बेटी गल वह डर के आनल हॉस्पिटल हॉस्पिटल डर के आनल तब हिया से ले गल माल बाजार, माल बाजार में भी सिलई उलई होल वहाँ खर्चा बन को नहीं दिल खाली भात देते रहे खाए के लिए 12 बजे और रात का उतरे और कुछ नहीं दिल और दवाई मन दिल सिलई। तो आपको बागान के तरफ से कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला बागान तरफ से, 2 महीना नागा हो लग। मेरा नाम है पूनम लोहार, मैं उस समय मैं नादी में था तो तब मेरा माँ चिल्लाई, जब हम लोग फिर दौड़ के गए तो देखे तो उसको बाघ झप, फिर जब हमारा माँ बागान से आ रहा था तब उस पर आगे से आकर बाघ एक साइड से झपट के मैं चला गया। तब हम लोग नदी में कपड़ा धोने के गया था, तब कपड़ा छोड़ के हम लोग माँ को लेके हॉस्पिटल चला गया, बागान डॉक्टर में गया था तो थोड़ा दवा दे के मलहम अति कर दिया, पट्टी कर दिया, फिर उठो बोला गाड़ी दे दिया और हम लोग चले गए माल बाज़ार। वहाँ मैं गया वहाँ पे सिलाई तिलई के वहाँ पर हॉस्पिटल में दवा उवा दिया। हम लोग फरेशर से बात भी किया था कि हमारा माँ को खाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, नहीं वो उस समय फरेशियर भी कोई नहीं आया, साहेब तो आया था हम बात किया साहेब से, फिर भी साहेब दूसरा दिन और कुछ नहीं आया। फिर वहाँ पे 3 दिन हॉस्पिटल में था, कोई भी पाती हम लोग को कोई मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। ठीक हम लोग का जो एक तो पास्टर आया था तो हम लोग के लिए 500 रुपया दिया था, और वहाँ से मैं दुकान से कुछ खाने के लिए लाता था और उसी से हम लोग का थोड़ा पेट भर जाता था। तब उसके बाद 2 महीना तो हॉस्पिटल से आए, तब उसमें हम लोग माँ 2 महीना घर में बैठ गया, तो उसके बाद खाने के लिए थोड़ा तकलीफ हुआ, पैसा भी नहीं था। हम लोग है 6 परिवार है,
इधर उधर सब, एक ठो लड़का है और एक ठो लड़की है और एक ठो हमारे पापा है और हम एक बेटी है, हसबैंड है, सब इधर उधर कमाते, दो कमाने में दो आदमी है और एक ठो माँ सास में कमा बगान में कमाता है। खाने में थोड़ा तकलीफ होता है कि चाय बगान में काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट ठीक समय से नहीं मिलता है, कुछ चीज़ का भी सुख सुविधाएं नहीं है, कैदी की तरह खट रहे हैं। मेरा नाम संजुला टप्पो है और मैं मोर माँ बागान में कमाइला और धूप में इतना रौद इतना पानी में कमाइला, बगन में इतना जंगल है, साफ सफाई नहीं करें और हमारे स्टूडेंट मन ले बस भी नहीं खे जे कि हम अथी जाप और आओप से कर ले, हम अपन भाड़ा से जाइला और इतना हमारे माए बाप इतना खटनी करके हमें के पढ़ा था, हमें हमार लगिन और हमार माए बाप लगिन कोनो कार्य चाहिला, लेकिन हम इनके बगन बटले कोनो ऐसे मिलबे नहीं करे जे कि हम आगे पढ़ोब और आगे कोनो कार्य सकोब से कर ले। हमें ऐसे कार्य नहीं चाहिए कि हमें भी बगाने में कमाप, हमें चाहिए कि पैर लिख के हमें कोनो कार्य करो। का करबे हमनी कर बगान तो मैं तो जब से मर ससुर रिटर्न होके मोके काम देला तब से बगान कर समस्या बहुत ख़राब है। टाइम से हमरे के तालाब नहीं देवे ना और हमें जब से कमाती तब से हमने कर पीएफ पैसा मन जमा ना के, फिर हमने कर लकड़ी झूरी कुछ नहीं देवे ना, घर मन के भी नहीं बनाए ना, ऊपर से हमें पैसा कर समस्या से हमारे छुआ पुता के ठीक से पढ़ाई के लिखाई भी नहीं सको थी, बहुत ऐसे समस्या है। फिर हमने कर हॉस्पिटल भी यहाँ ठीक ना के, हमने कर दवाई बीरो भी नहीं होवेला, बहुत समस्या है। हमें कितना समस्या के बताब, सरकार हमने के इतना दिन से हमरे लेका देखो थे, हमारे कुमलाई बगान में तो बहुत समस्या है। ते बड़ा धराती के तो बना लाए रे ने, ते बड़ा धराती के तो बना लाए रे, भवन रूपे भगवान सायो तो बना लाए, हे भवन रूपे भगवान सायो तो बना लाए रे, सायो तो बना लाए। और कितना साल आप लोग काम किए चाय बगान में? बहुत दिन होला। आपके जो माता पिता थे क्या वो भी चाय बागान में ही काम करते थे? और अभी आपके जो बच्चे लोग हैं दो बेटा, पांच बेटी, तीन बेटी, तो वो लोग भी चाय बागान में ही काम करते हैं? तो क्या वो लोग कुछ पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं? अब कहा लेकिन कहा बेटा, हमन जो जीव में सोचो थे हम रोमन बुढ़िया मन, बेटा मन का दिल में भी चाहो थे कि हमने के मोर माए जी आते, मोर बाप माँ जी आए, पढ़ा लिखा कुछ करते हले, हमने कोनो कोनो एक बेटा बेटी मन नौकरी चाकरी धर थी तो माए बाप लगिन तो हमने के छो पुता के पेट पोसे के लगे मुश्किल, आज आटा नखे तो कहीं चौर नखे, परसों दिन नखे तो एक ठूर निमक पकेट नखे, एक ठूर साले नखे, तो कहा लेकिन पोसे के पड़ब और पढ़ा के पड़ब। हमरे मन चाह बगान में कमाए के अखन बुढ़िया के लिए, अखन बुढ़िया काल में हमरे के कोनो पैसा हमरे के नहीं पैसा नहीं पाओ थी तो का के खा, तो में जिन हमरे दो खर पपलिक में खाना है, हमारे अच्छी बात से मिले लो कितना रही 1000 रुपया। खाने देखा लो रे सुखला नदी में तो जय, खाने देखा लो रे सुखला नदी रे फिरे खाने मना मोर दियो कोलो भरल, फिरे खाने मना मोर दियो कोलो भरल रे दियो कोलो भरल। अब फिर आई देखो ने के मौके पार करी सके देबो मुंगा मती, से वो के पार करी सके देबो मुंगा मती, यौरो देबो मैना मोर मुहा के जवान, यौरो देबो मैना मोर मुहा के जवान रे मुहा के जवान, के परी से के मैं जवाब देबो, जिंदगी मोर बेटा बेटी मन कमाए के खबर आशीर्वाद देबो। उम्मीद करते हैं अपने ट्रैवल इंडिया टीवी के सभी सम्मानित दर्शकों से आपने इस कार्यक्रम को पूरा देखा होगा और आपको चाय बगान की खूबसूरती कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपसे एक और गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
इनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, अगर आप भी चाय पीते हैं और चाय बागान में काम करने वाले मज़दूरों की याद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया की रिपोर्ट। काम करी तनखा झुकी, पैसा गिनी चिंता करी, महीना भरी कैसे चला बुरे, छवा पुता कैसे पढ़ा बुरे। काम करी तनखा झुकी, पैसा गिनी चिंता करी, महीना भरी कैसे चला बुरे, छवा पुता कैसे पढ़ा बुरे। हमर पुरुखा मन डुवर्स कर जंगल झाड़ के झोरी झोरी, गढ़ा डिपा के कोड़ी कोड़ी, इतने सुंदर डुवर्स के सजाले, चाकर बागान के उपजाले। हे हो 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 हो। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।